नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यदि आप एक NPS एम्प्लॉई हैं, यानी यदि आपने गवर्नमेंट सर्विस 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइन की है तो आप एक NPS एम्प्लॉई हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें आज हम आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आप NPS एम्प्लॉयज भी अपना जो NPS फंड है उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने 10 अगस्त 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है, और इस गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने जो NPS एम्प्लॉयज हैं उनको अपने पेंशन फंड में से विड्रॉ करने की और एग्जिट करने की फैसिलिटी भी दे दी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि सूचना या वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है जहाँ से आप वो इंपॉर्टेंट बुक्स भी परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं जो आपको ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने हाईलाइट की गई हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और या फिर ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कंडीशन रहेगी किस किस कंडीशन में ये या कितना अमाउंट और किस उद्देश्य के लिए जो NPS से विड्रॉ किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 3 साल मिनिमम NPS में रह चुका है तो वो अपनी जो जमा अमाउंट है उसका 25% विड्रॉ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन ये रहेगी कि सिर्फ जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उसका 25% ही वो निकाल सकता है, बाकी गवर्नमेंट का या एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको वो नहीं निकाल सकता। और इसका जो पर्पज़ रहेगा वो पर्पज़ है कि अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, घर बनाने के लिए, और या कोई स्पेसिफिक डिजीज या कोई बीमारी है जिसमें कैंसर, किडनी फेलियर, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका 25% निकाल सकते हैं। फिर इसका जो लिमिट है वो जैसे कि बताया कि 25% ही वो अपनी जो जमा की गई अमाउंट है उसका निकाल सकता है, लेकिन 3 साल मिनिमम उसका सर्विस NPS के अंदर होना चाहिए और ये जो अमाउंट है वो पूरी सर्विस में 3 बार ही निकाल सकते हैं। कोई भी NPS एम्प्लॉयज अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसमें का 25% अपनी सर्विस में 3 बार निकाल सकता है, यानी 3 बार में करके वो 25% ऐसे विड्रॉ कर सकता है। और यदि जैसे ही कोई केंद्रीय कर्मचारी NPS कर्मचारी अपना NPS 1 का जो अकाउंट वो क्लोज करता है तो साथ में यदि वो Tier 2 वाला अकाउंट भी एक्टिवेट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उसका जो भी अमाउंट है वो उस NPS एम्प्लॉयज को मिल जाएगा। लेकिन जो यदि NPS का Tier 2 अकाउंट यदि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी ने खोला हुआ है तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितना पैसा जब चाहे वो निकाल सकता है। यदि वो चाहे तो पार्सल विड्रॉ कर सकता है या उसको फुल्ली विड्रॉ कर सकता है। तो एक ये अच्छी बात है NPS एम्प्लॉयज के लिए कि उन्हें भी वो भी अब बाकी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि 2004 से पहले ज्वाइन किए थे सर्विस में, उनकी तरह अपना जो पेंशन अमाउंट है उससे विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी जो कुछ इम्पोर्टेंट या आप कहो उनको जिनको आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने NPS अकाउंट से भी पैसा विड्रॉ कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सूचना या वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।